अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज वन। मैं हूँ वरीशा जुल्फिकार। और मैं हूँ नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शर्जील मेमन हुकूमत पर बरस पड़े, कोई केस ना नोटिस, मुल्क से बाहर था, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया, वतन आना ना होता तो जमानत ना लेता, कसूरवार हुआ तो फांसी पर चढ़ा दें, पीपी रहनुमा का रहम की अपील ना करने का ऐलान, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार के खिलाफ भी रेफरेंसेस हैं, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में क्यों नहीं डाले जाते, नैब पंजाब में कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्या नैब सिर्फ सिंध और पीपल्स पार्टी के लिए बनी है, शर्जील मेमन के ताबड़तोड़ सवालात। इदारों ने सियासत की तो सिंध से बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे, वजीर आला सिंध की घन गरज, पीपल्स पार्टी भागने वालों में से नहीं, विफाक के नाजायज इकदामात बर्दाश्त नहीं करेंगे, दो टोक पैगाम, फारूक सत्तार को जमानत लेने का मशवरा दे दिया। असद कैसर को नैब ने नहीं तो फिर किसने खत लिखा, कप्तान का सवाल, लगता है मुहिम के पीछे मोटू गैंग है, प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान कर दिया, गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए फटीचर का लफ्ज गैर रस्मी गुफ्तगू में इस्तेमाल किया था। जिस दिन लगा पार्टी मुल्क कौम का नुकसान कर रही है, खत्म कर देंगे, मुस्तफा कमाल की ललकार, बानी एमक्यूएम पर कराची और महाजरों को तबाह करने का इल्जाम, पाक सरजमीन पार्टी 23 मार्च को निश्चर पार्क में पिंडाल सजाएगी। भक्कर में दरिया खान रोड पर रक्षे को तेज रफ्तार बस की टक्कर, 8 अफराद जाबाक, ड्राइवर फरार, डेरा गाजी में दरिया सिन से 2 नौजवानों की बोरी बंद लाशें बरामद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 साल बाद आबी मुज़ाकरात बहाल, भारतीय वक्त पहुंच गया, कल इस्लामाबाद में बैठक होगी, दरिया चनाब पर बनने वाले 3 मंसूबों पर गौर होगा। सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग, कूल मिसबा भी फट पड़े, मुलव्वस खिलाड़ियों पर ताहायात पाबंदी का मुतालबा कर दिया, ऐसा कानून बनाया जाए कि मुलव्वस खिलाड़ी दोबारा ना खेल सके। न्यूज वन की खबर का असर, डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी पर 2 खिलाड़ी मुअत्तल, हयातुल्ला और आदिल इकराम पर 1-1 साल की पाबंदी आए। शकरपरिया ग्राउंड में यौम पाकिस्तान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लुटा दो, मुझे मेरी आरजुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। आज मैं देखता हूँ कि इंसाफ और कानून में कितनी जान। और अदाकारी बेमिसाल, डायलॉग डिलीवरी कमाल, आवाज सबसे मुनफरिद, शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली को मदनाहों से बिछड़े 11 साल हो गए।